बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जब से करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण सीजन 8 में होकर आए हैं, तब से दोनों को काफी ट्रोल किया जा रहा है और साथ ही साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण को कलेश विद करण कहा जा रहा है। दरअसल करण जौहर ने अपने कॉफी विद करण टॉक शो के 8 सीजन की शुरुआत की है और पहले ही एपिसोड में दीपिका और रणवीर को एक साथ बुलाया था। इसी के साथ साथ शो में दीपिका और रणवीर की 5 साल पुरानी वेडिंग वीडियो भी दिखाई गई थी। वहीं तीनों के बीच खूब सारी बातें हुई। अब करण जौहर का शो है तो रिलेशनशिप पर बात होती ही है। जब रिलेशनशिप्स पर बात शुरू हुई तो दीपिका कुछ ऐसा कह गईं जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दीपिका ने बताया था कि वो शुरुआत में रणवीर सिंह के साथ सीरियस नहीं थी। वो कहती हैं कि मैं सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि मैं दो बहुत मुश्किल रिलेशनशिप से निकली थी। मैं किसी के साथ कमिटेड होना नहीं चाहती थी। शुरुआत में मैं रणवीर के साथ भी सीरियस नहीं थी, लेकिन जब इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तब मैं सीरियस हुई। दीपिका आगे कहती हैं कि हालांकि हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे, बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। इसके अलावा दीपिका कहती हैं कि मैं और लोगों को भी देख रही थी, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में रणवीर सिंह ही चलते थे और मुझे ये पता था कि मैं रणवीर सिंह के पास वापस आ जाऊंगी। अब लोगों ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह दीपिका के माइंड में एक बैकअप प्लान की तरह थे। लेकिन अब हाल ही में दीपिका पादुकोण का एक नया वीडियो सामने आया है जो उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। दीपिका ने एक वायरल मीम पर अपना एक फनी वीडियो बनाया जिसमें वो खुद को कह रही हैं जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वहीं उनके इस फनी वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और इसके साथ साथ उन्हें खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं रणवीर सिंह ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए हंसने वाली इमोजी बनाई है। लेकिन लोग कहां रुकने वाले, लोगों ने रणवीर सिंह को रिप्लाई करके लिखा डिवोर्स ले लो भाई। वहीं गौर ने लिखा फील यू ब्रो। वहीं कुछ और यूजर ने दीपिका को ट्रोल करते हुए लिखा बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। वहीं गौर यूजर ने लिखा दीपिका तूने बेचारे रणवीर के साथ अच्छा नहीं किया। वहीं गौर यूजर ने लिखा आपने भी रणवीर भाई को ऑप्शन ही रखा था। वहीं गौर यूजर ने लिखा रणवीर सिंह का दर्द हमें दिख रहा है, सॉरी योर स्टेटमेंट्स आर ट्रेंडिंग। वहीं गौर यूजर ने लिखा पुरानी न्यूज से ध्यान डाइवर्ट करने का नया अंदाज। वहीं गौर यूजर लिखते हैं रणवीर भाई शांत हो गए, घर में कलेश तो नहीं हुआ कलेश विद करण, ओह सॉरी आई मीन कॉफी विद करण से आने के बाद। वहीं गौर यूजर ने लिखा क्या फायदा, रणवीर तो बैकअप ही था। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ।